हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 जनवरी और मैं गुड्डू कोस के स्कूल में फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए रखने के लिए आई हूँ। और डिनर में आज बन रहा है लौकी के मुठिया, गुजराती में दुधीना मुठिया कहते हैं उसको। ये गेहूं का जो मोटा आटा होता है उसमें दही डालकर सारा मसाला करना होता है, जो हम रेगुलर मसाला करते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर। और उसको इस तरह से स्टीमर पे रखना होता है और ये जब पक जाए तो उसे इस तरह छोटे छोटे पीस काट कर राई और जीरे का तड़का लगाना होता है। तो ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है। अगर आपको कुछ घर पे नहीं बनाना है तो ये झट से बन जाता है। 1 प्लेट आइटम है ये। और बस ये गुजरातियों की फेमस आइटम बोल सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए इस तरह से कितने स्पॉन्जी बने हैं, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। ये 1 प्लेट है, मैंने ये सारे मैं इस तरह से काट दूंगी इसको। और इसके बाद मैं जाऊंगी गुड्डू के स्कूल। ये देखिए मैं और त्रुही यहाँ आ चुके हैं। आज एनुअल फंक्शन है उसका और उसका डांस है। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं उसके डांस की। हम थोड़े लेट पहुँचे तो आगे की जो सारी सीट्स हैं वो भर चुकी है, लेकिन अगर जगह होगी तो हम लोग आगे चले जाएंगे। और ये देखिए बस गुड्डू का डांस आ चुका है। इसका सॉन्ग है दीप शिक्षा और जो चौक एंड डस्टर मूवी है उसका है ये। हम दीप शिक्षा के हैं ये। और सारा उस सॉन्ग पर ये बच्चे डांस कर रहे हैं। काफ़ी दूर हूँ मैं तो इसलिए इतना नज़दीक से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। ये गुड्डू का कॉस्ट्यूम है जो उसने डांस में पहना था। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और उस सिर पे सिल्वर कलर की रिबन बांधी थी। तो ये पिक मैंने ली है जब मैं उसे भी मैंने आपको जो डिश में बताया उसे गुजराती में दूधीना मुठिया बोलते हैं, लौकी के मुठिया बोलते हैं उसको। वो गेहूं का जो मोटा आटा आता है उसमें लौकी को कद्दूकस करके उसमें सारे मसाले डाल दिए जाते हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो आप थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। बाय द वे मम्मी जी नहीं खाती है तो मैंने नहीं डाला है वो रेसिपी। मैं इसलिए इसका वीडियो नहीं उतर पाई क्योंकि वो जो है वो बैटर वो मम्मी जी बना रही थी। मैं उन्हें हेल्प कर रही थी, इसमें वो वीडियो बनाना रह गया। लेकिन मैं आपको उसकी मेथड बता रही हूँ। तो सारा